स्मार्ट नौकरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं AFMC आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कि पुणे में स्थित है। MBBS में एडमिशन कैसे होता है इस पर पूरी तरह से जानकारी दूंगा, डिटेल्स में जानकारी दूंगा। आप सबको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट नीट का प्रिपरेशन करते हैं उनके ड्रीम कॉलेज होता है कि इसमें एडमिशन मिल जाए। इस कॉलेज का अपना अलग ही रूल एंड रेगुलेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल सब्सक्राइब को क्लिक करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि नीट के रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आपको मिलता रहे 2019 में भी, 2020 में भी और आगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका एस्टेब्लिश 1948 में हुआ था और 4 अगस्त 1962 को MBBS कोर्स के लिए स्टार्ट हुआ स्टडीज में। फ्रेंड्स आप सबको पता होगा कि MBBS जो कोर्स है 4.5 ईयर का होता है और 1 ईयर इंटर्नशिप होता है, जो कि बता दूं कि इसमें लगभग एक डेट फिक्स किया गया कि 15 जुलाई के आसपास या जुलाई मिड जुलाई के आसपास इसमें पर ईयर इसमें MBBS के लिए एडमिशन पूरी प्रक्रिया हो जाती है और कॉलेज शुरू हो जाता है। जबकि ये एक मिड जुलाई एक डेट दिया गया है, इसी के अप्रोक्स थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, कभी पहले भी होता है या टाइम से भी होता है। फ्रेंड्स इसमें वही स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है जो कि इंडियन सिटीजनशिप हो, जो इंडिया के प्रॉपर रहने वाला हो, और फॉरेन से भी जो स्टूडेंट है वो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उनके पास इंडिया का सिटीजनशिप होना जरूरी है और उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से इसमें सर्टिफिकेट इशू होना जरूरी है। और आप सबको बता दूं कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं इनके लिए 5 गवर्नमेंट सीट इनके लिए फिक्स्ड है, 5 गवर्नमेंट सीट पे इनका एडमिशन होता है, जो कि स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट किया जाता है, स्पॉन्सर्ड करता है गवर्नमेंट। आप सबको बता दूं कि आपका ये 17 साल होना चाहिए, 17 ईयर्स होना चाहिए और 24 ईयर्स तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 24 ईयर्स इसका डेट मैक्सिमम डेट है, ये 24 ईयर एज तक आप इसमें इसके पहले एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके पास टैलेंट ही है तो। फ्रेंड्स आप सबको बता दूं कि इसमें जो टोटल सीट्स हैं वो सीट्स इसमें 145 मेडिकल कैडेट्स के लिए हैं, जिसमें 115 बॉयज़ के लिए एडमिशन लिया जाता है, 115 और 30 गर्ल्स के लिए होते हैं। और मैंने आप सबको बताया कि 5 जो सीट्स अलॉटमेंट किए जाते हैं वो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए किए जाते हैं, जो कि आपको ये स्पॉन्सर्ड होते हैं बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं तो 145 टोटल सीट्स है, इसमें सारी कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं, जनरल ST SC OBC सारी कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं, 115 सीट्स आपको बॉयज़ के लिए और 30 सीट्स गर्ल्स के लिए। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लियर यहाँ लिखा हुआ है कि 145 सीट्स में सभी कैटेगरी के स्टूडेंट आज सम्मिलित हो जाते हैं। एग्ज़ाम जो होता है आपको नीट का एग्ज़ाम देना जरूरी होता है, नीट के एग्ज़ाम से इसमें एडमिशन किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी इसमें प्रोसीजर होता है। नीट के एग्ज़ाम देने के बाद इसका अपना एक अलग भी एग्ज़ाम होता है, CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो मैं आपको जानकारी अभी देने वाला हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे देखें 14 का ये बी नंबर, आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, पहले ये देखते हैं, लिखा हुआ है द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, मतलब जो नीट के लिए कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। मतलब बता दूं शॉर्ट लिस्ट क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप नीट का एग्ज़ाम दिए हैं और नीट के एग्ज़ाम में आपका अगर अच्छा मार्क्स आया है इसको तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है नीट के मार्क्स के बेसिस पे, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट आपको AFMC में लिया जाता है और 1750 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, जिसमें 1170 1170 होते हैं बॉयज़ और 580 गर्ल्स होते हैं। फ्रेंड्स इसमें शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको स्क्रीन टेस्ट दिया जाता है, जो कि आपको बता दूं कि एक रफ आइडिया 2019 के लिए दिया गया है कि 3rd या 4th week of June में लिया जाता है, क्योंकि बता दूं कि आपका जून में ही 1st week of June में ही रिजल्ट आता है, ठीक है फ्रेंड। और ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको इसकी जानकारी दी जाती है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो इसके रिलेटेड अगले साल जो भी अपडेट्स आएगा मैं आपको प्रॉपर दूंगा। अब क्या होता है यहाँ देखिए, अब जो आपको शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट नीट के थ्रू जो किया गया स्क्रीन टेस्ट के लिए 1750 टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स, फ्रेंड्स इनको जो है TOEL या टोलर टेस्ट से गुजरना होता है, देना पड़ता है एग्ज़ाम। इसका मतलब होता है इसमें आपको क्या करना होता है, टेस्ट लिया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का, कम्प्रीहेंशन का, लॉजिक टेस्ट, रीजनिंग टेस्ट, ये सब लिया जाता है, साइकोलॉजिकल असाइनमेंट टेस्ट होता है, आप सबको मेडिकल टेस्ट भी होता है, ये सब आपको देना होता है नीट के एग्ज़ाम देने के बाद का ये प्रोसेस है। जब आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं स्क्रीन टेस्ट के लिए AFMC में, तो आपको ये प्रॉपर रास्ते से गुजरना पड़ेगा आपको।
और इसमें बता दूं कि टेस्ट कैसे होते हैं फ्रेंड्स, टोटल जो एमसीक्यू होते हैं 40 क्वेश्चंस के एमसीक्यू होते हैं, 40 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और 2 मार्क्स के होते हैं, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो हाफ मार्क्स आपका काट लिए जाते हैं, और 40 क्वेश्चन जो होंगे 30 मिनट्स में आपको करना है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, ये तो बता दिया। अब बात करते हैं इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये 40 क्वेश्चन मल्टीप्लाई 2 मार्क्स, तो 80 मार्क्स टोटल हुआ, जो कि स्क्रीन टेस्ट लिया जा रहा है एफएमसी द्वारा, और इसमें ऐड करें 720 नीट का टोटल मार्क्स, यानी नीट का टोटल मार्क्स और ये 80 क्वेश्चन जो है वो एफएमसी जो टेस्ट लेता है उसका है, टोटल जो हुआ 800 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ। तो क्या करता है, टोटल 800 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, इसमें डिवाइड में 4 करता है एफएमसी, और टोटल 200 मार्क्स मैक्सिमम में अपना रिजल्ट निकालता है एफएमसी। अब 200 मार्क्स में आपका जितना मैक्सिमम नंबर आएगा, 200 में जितना मैक्सिमम नंबर आएगा उसमें आपका सेलेक्ट किया जाएगा एफएमसी एमबीबीएस में एडमिशन कराने के लिए, ऐसा प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, क्लियर, मैंने आपको बता दिया डिवाइडेड 4। ठीक है फ्रेंड, और आपको इंटरव्यू लिया जाता है 50 मार्क्स का। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी आप स्कोर करते हैं फाइनल स्कोर्स में आपको 50 नंबर इंटरव्यू ऐड करके आपका रिजल्ट फाइनल निकाला जाता है। फ्रेंड्स फाइनल बात यह है कि आप सबसे अपना बेस्ट अगर आप देते हैं नीट में, स्क्रीन टेस्ट ऑफ एफएमसी में, इंटरव्यू में, उसके बाद ही आप सिलेक्ट होते हैं। एक बार अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपका करियर बन गया, क्योंकि इसमें इतना फैसिलिटी दिया जाता है, इतना पैसे आपको पेमेंट किए जाते हैं आफ्टर एमबीबीएस, कि आपका करियर सेटलमेंट हो जाता है इसमें एक बार में। आपको इसमें पीजी के लिए बहुत आसान रास्ते होते हैं, पीजी में एडमिशन के लिए। फ्रेंड आपको क्या करना होता है कि नीट का अपना जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपको प्रॉपर उसका रोल नंबर आपको मिलता है, एप्लीकेशन एडमिट कार्ड वगैरह मिलता है, उसमें सब कुछ सबमिट करना होता है एफएमसी के आपको के पास। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है ये प्रोसेस, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स आपको प्रॉपर क्या करना होता है, मेडिकल एग्जाम आपका लिया जाता है, मेडिकल एग्जाम में आपका प्रॉपर अच्छा से परफॉर्मेंस करना होता है, लीगल जुडिक्शन में आपको हॉस्टल फैसिलिटी सब कुछ दिया जाता है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आप यहाँ देखें फैसिलिटी देखें, आपको जिम है, खेलने के लिए भी है, आपका देखिए कॉलेज का एक व्यू आपको दिखाया गया है, स्पेशल कंसेशन जो दिया जाता है यहाँ पे देखिए, आपको जब छुट्टी के टाइम में घर आते हैं उस समय आपको टिकट मिलते हैं एसी थर्ड टायर की, एसी सेकेंड टायर की मिलते हैं, आपको 12,000 रुपये पर मेडिकल क्रेडिट आपको मिलते हैं बुक्स के लिए, आपको 6,000 मिलते हैं मेडिकल कैडेट्स के लिए पर ईयर, 1,250 मिलते हैं आपको मेंटेनेंस अलाउंस के लिए, 140 आपको मिलते हैं प्रॉपर यहाँ पे हेयर कटिंग के लिए, आपको जितना फैसिलिटी है यहाँ पे सब कुछ दिया जाता है फ्रेंड यहाँ पे, और पढ़ सकते हैं आप। और यहाँ पे क्लियर आपको 1,500,000 रुपये डेथ इंश्योरेंस के लिए भी दिए जाते हैं, अगर आप डिसेबिलिटी कोटा से हैं तो 7,50,000 100% डिसेबिलिटी के लिए भी जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी फ्रेंड दिए जाते हैं इसमें। तो आपका ये वाकई में एक अपना बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है फ्रेंड्स, इसमें अपना प्रोस्पेक्टस में बताया गया है कि इसमें रैंकिंग थोड़ा सा भी नहीं होता है, बहुत सारे कॉलेज में रैगिंग बहुत तेज होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें रैगिंग पे भी आपको बहुत ज़्यादा अगर आप रैगिंग करते हैं इस कॉलेज में तो आपको उसका अलग दंड दिए जाएंगे, हो सकता है सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये कॉलेज बहुत ही एक डिसिप्लिन वाला कॉलेज है। आप सबको पता ही होगा जो आर्मी में जो भी रहते हैं जिनका फैमिली है बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करके रहते हैं, या प्रॉपर रैगिंग के लिए यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड। तो आपको अच्छे से इसके लिए अगर प्रिपरेशन करना है तो आपको प्रॉपर इसके लिए बहुत मेहनत करना होगा। फ्रेंड्स बता दूं कि एक बार इसमें पास आउट करने के बाद, फ्रेंड्स बताते हैं कि एमबीबीएस पास आउट करने के बाद, या क्लियर लिखा हुआ है एमबीबीएस पास आउट करने के बाद आपको डायरेक्ट जॉब ऑफर किया जाता है, आपको जॉब आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में मिल जाएगा, आपको जहां चाहते हैं आपको मिलेगा। आपको बता दूं कि 2 तरीके से जॉब होते हैं, एक होते हैं परमानेंट कमीशन पीसी और एक होता है रेस्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन। अगर आप जो भी चाहते हैं आपको इसमें प्रॉपर आपको मिलेगा। मैं बता दूं कि यहाँ लिखा होता है रैंक स्ट्रक्चर एंड द प्रमोशन अलोंग विथ इनिशियल मंथली बेसिक पे ऑफ रिकमेंडेशन 7th पे कमीशन यहाँ पे दिया गया है प्रॉपर आपका। अगर आप कैडेट यानी आप जैसे पास आउट करते हैं अपने कॉलेज से तो 57,800 आपको पर मंथ सैलरी दिए जाते हैं। मैं बता दूं फ्रेंड ये बेसिक सैलरी है, इसको अब क्या किया गया है इंक्रीज करके 95,000 95,000 से 96,000 के अप्रोक्स कर दिया गया है। अब ये आपका बेसिक प्राइस है,
ये कैडेट मतलब एमबीबीएस पास जब करते हैं उस समय से लेकर आपका लेफ्टिनेंट तक, लेफ्टिनेंट जो बोलते हैं वहाँ तक आपको 96-95,000 के अप्रॉक्स दिए जाएंगे। आपका जैसे ही आप एक प्रमोशन होता है आपका सैलरी ये इससे भी बेसिक 95-96 के अप्रॉक्स आता है। उसके बाद आपको डायरेक्ट 1,00,000-1,25,000 120 के आसपास लैक्स आपका हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपका अगर आप चाहते हैं इसमें एक बार एएफएमसी में हो गया आपका तो आपको एमबीबीएस पास आउट करने के बाद आपका 1,00,000 के अप्रॉक्स सैलरी स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसके लिए बहुत मेहनत करें, इसके लिए आपका श्योर इसमें हो जाएगा। इसमें आप अगर चाहते हैं और इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम है इसके लिए कुछ आप इन्फॉर्मेशन और भी चाहते हैं तो आप क्या करें, ये प्रॉपर फ्रेंड डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट इसमें लगता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये डॉक्यूमेंट, ये हेल्पलाइन सेंटर है, आपको इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉल कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो फ्रेंड्स या आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए तो मेरे पास आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी कि आपको एडमिशन लेने के बाद 7 डे के पहले अगर आप सीट को छोड़ते हैं तो एक बॉन्ड साइन किया जाता है जो कि 30,00,000 आपको पेनल्टी के तौर पे लिए जाएंगे, बॉन्ड साइन लिया जाए, एग्रीमेंट कराया जाता है। तो ये रहा सब इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, मैंने आपको लगभग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। नीट के एग्ज़ाम अच्छे से दे, नीट के एग्ज़ाम के बाद का प्रोसेस है, पहले अच्छे से मार्क्स लाएँ आप, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में और ज़्यादा डीपली जानकारी दूंगा। अगर आप चाहते हैं इसके रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन तो हमारे कमेंट में जवाब दें, शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।